दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ छोटी तीज, श्रावण पक्ष की तीज या फिर हरियाली तीज का व्रत किस तरह से रखा जाना चाहिए, हरियाली तीज का क्या महत्व होता है, इस दिन की पूजा की विधि क्या है, आपको क्या खाना है और व्रत के शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। हरियाली तीज के व्रत में आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी आज हम जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरी चैनल नीता विक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। माता रानी सबका कल्याण करती हैं, हमें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती हैं। अगर दोस्तों आपके और कोई भी भगवान या ईष्ट हैं, आप उनका नाम भी ज़रूर लिखिए। भगवान का नाम लेने से आपके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और आपको जीवन में तरक्की हमेशा प्राप्त होती है। जो भी मेरे भाई बहन जय माता रानी लिखते हैं, मैं उन सबको ढेरों धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, इसके बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को भी प्रेस करिए। आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्रतों का मौसम चल रहा है, सावन का महीना, जिसमें हरियाली तीज का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पर जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, वह अगर व्रत रखती हैं तो जिस तरह माँ पार्वती ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को अपने वर रूप में प्राप्त करा था, उसी तरह आपको एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो इस दिन पर माँ पार्वती को मेहंदी अर्पित करें। मेहंदी हरे रंग की होती है, जिसके कारण हरियाली तीज पर माँ पार्वती आपकी शादी जल्दी होने का आशीर्वाद देती हैं। उनसे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको जल्द से जल्द अच्छा घर और वर प्राप्त हो जाता है। और जो शादीशुदा या विवाहित स्त्रियां हैं, उनके लिए भी ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इस दिन उपवास रखती हैं, पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। चलिए जान लेते हैं आज इस दिन का व्रत आपको किस तरह से रखना है। हरियाली तीज का व्रत आ रहा है 13 अगस्त 2018 को, इस दिन आपको व्रत रखना है। तो दोस्तों व्रत रखने से पहले आपको एक दिन पहले तैयारी करनी है, यानी 12 अगस्त 2018 से ही ये एक तरह से 3 दिन का उपवास होता है, जिसकी तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। सबसे पहले दिन पे जो मायके के लोग हैं, वह लड़की के लिए मिठाइयाँ या पूजा पाठ का सामान लेके आते हैं। ससुराल की तरफ से सिंगारा आता है। सिंगारा एक तरह से सिंगार का सामान होता है या सिंगार पेटी होती है, इसे सावनी भी कहते हैं कई कई जगह। इसमें होते हैं कपड़े और अगर आपके लिए जो भी आपके तैयार होने का सामान है, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, पायल, जो भी यथासंभव आपके ससुराल की तरफ से ये सामान आता है। और जिसकी शादी का ये पहला साल है, उनके लिए ये जो दिन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वक्त पे जो लड़कियाँ होती हैं, पहले सावन में लड़कियों को मायके भेज दिया जाता है, जिससे कि वह अपने परिवार के साथ रह सकें और वहाँ पर ही उन्हें हरियाली तीज मनाने का ये अवसर प्राप्त होता है। और उनके लिए सिंगारा आता है, जिसमें कि श्रृंगार का पूरा सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिए, पायल और साड़ी इत्यादि, जो भी सामान की ज़रूरत होती है हमें साज श्रृंगार के लिए, वो सब रहता है। तो एक दिन पहले ही सभी जो भी शादीशुदा स्त्रियाँ हैं या जो भी स्त्रियाँ इस व्रत को रख रही हैं, वह मेहंदी लगा लेती हैं। तो दोस्तों तीज के लिए मेहंदी का जो भी अच्छे से अच्छा डिज़ाइन है, आप उसको देख के लगा लीजिए। अपने हाथों और पैरों में आप मेहंदी लगा सकते हैं। अब अगले दिन जब 13 अगस्त को सुबह तीज शुरू होगा, ये इस बार सोमवार के दिन आ रहा है, तो इसी के साथ साथ आपके सावन सोमवार का भी उपवास रहेगा। पर जो लोग यहाँ पर तीज का उपवास रखते हैं, कई लोग इसे एकदम निर्जला उपवास रखते हैं। तो आप देखिए, अगर आप तीज का उपवास रख रही हैं तो आप इसे निर्जला उपवास रखेंगे। दिन पे आपको सुबह नहाना धोना है, अच्छे से स्वच्छ हो जाना है। उसके बाद अब आपको पूजा घर में जाके भगवान के सामने संकल्प लेना है। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मैंने आज ये जो तीज का व्रत रखा है, इससे मेरे पति की लंबी आयु हो, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट न रहे और हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तरह का आशीर्वाद लेने के बाद आप भोलेनाथ के ऊपर चंदन अर्पित करिए, उन्हें अक्षत चढ़ाइए, माँ पार्वती के ऊपर रोली या कुमकुम का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगाइए और उन पे भी थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए। गणपति भगवान की भी पूजा करनी चाहिए आपको इस दिन पर।
उनकी भी पूजा करिए, भगवान पे थोड़ा सा दूर्वा भी चढ़ाइए। अगर आपके पास भोलेनाथ का शिवलिंग है तो आप उसका अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग को एक पात्र में रख के उसका मुंह उत्तर की तरफ करके रखिए। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कैलाश के वासी हैं जो कि उत्तर दिशा की तरफ है। तो आप जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें उसका मुँह, या जैसे भी आप शिवलिंग अपने घर में रखते भी हैं, तो हमेशा आप उसका मुँह उत्तर दिशा की तरफ करके ज़रूर रखिए। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए दोस्तों आपको इसमें चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहले साधारण जो भी आपके पास जल है वो चढ़ाइए। इसके बाद आपको चढ़ाना है गंगा जल, फिर गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शक्कर, शहद, और आपको अच्छे से फिर साफ़ पानी से धो के शिवलिंग का अभिषेक कर लेना है। इसके बाद शिवजी पे आपको इस दिन बेलपत्री ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं भी है तो भी आप शिवजी पे बेलपत्री ज़रूर चढ़ाइए। जो भोलेनाथ और पार्वती हैं उन पे अच्छी सी फूल माला अर्पित करिए। हर तरह के साज सिंगार का सामान माँ पार्वती के लिए आप वहाँ पर उन्हें अर्पित ज़रूर करिए। इसे हम सुहाग की पुड़िया या सुहाग पोटली भी बोलते हैं, जो हमें माँ पार्वती को चढ़ानी चाहिए, जिसमें चूड़ियाँ हो सकती हैं, मेहंदी, सिंदूर, और जो भी आप सुहाग का सामान लेती हैं वो सब आप चढ़ाइए जाता है भोलेनाथ को। इस दिन जब आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो प्रसाद में आप पुए ज़रूर चढ़ाएं। घर में आप पुए, पूड़ी इत्यादि ये सब सामान बनाइए। तो घेवर का बहुत ही महत्व होता है, घी से बना होता है, इसकी पौष्टिकता बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ इसे सावन पे खाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है। इसके बाद आप माँ पार्वती से प्रार्थना करिए। वहाँ पे माँ पार्वती और भोलेनाथ के सामने हरतालिका तीज की व्रत की जो कथा है उसे ज़रूर पढ़िए। अगर आपसे संभव हो तो आप हवन करिए, ना हो तो आप बस भगवान की आरती कर लीजिए। अपना व्रत बहुत ही अच्छे से शांत भाव से रखिए। दिन के वक्त आप अच्छे से सज धज कर जहाँ पर सभी लोग पूजन के लिए इकट्ठे होते हैं, कई कई जगह लोग बाग एक साथ सम्मिलित होकर माँ पार्वती का पूजन करते हैं। तीज के दिन झूले ढले होते हैं, इस दिन झूला झूलने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। तीन चीज़ें खास तौर पर करी जाती हैं, लहरिया पहना जाता है, हरे रंग की चूड़ी पहनी जाती है, और झूले ज़रूर झूले जाते हैं। ये झूले झूले झूलने के लिए आप इस दिन पे जिस झूले का इस्तेमाल करें उसमें कुछ अशोक के और आम के पत्ते लगाइए। इस तरह के झूले पे झूलने से आपका मन प्रसन्नचित हो जाता है और आपके अंदर भी अच्छी अच्छी भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है। तो इस तरह से मिलजुल के लोगों के साथ आप भी इस पर्व को मनाइए। इस दिन पे आप पैरों में आलता लगा लीजिए, तैयार होने के लिए पूरे 16 सिंगार करिए अच्छे से। अपनी सहेलियों के साथ आप इस दिन इस पर्व को ज़रूर मनाइए। भोलेनाथ और माँ पार्वती का विशेष इस दिन पर महत्व होता है का तीज का व्रत रखने का। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने जब वो हिमालय की पुत्री थी कठोर तपस्या करी, और भोलेनाथ से इसी दिन उन्होंने अपना पति बनने का आशीर्वाद प्राप्त करा था। तो जो तपस्या का फल है वो भोलेनाथ ज़रूर देते हैं। आप जब भी व्रत इस व्रत को रखेंगे इसका बहुत महत्व है दोस्तों। इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। साल भर में कुल 4 तीज के व्रत आते हैं। तीज का व्रत रखना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटी तीज आ रही है हरियाली तीज का आप व्रत रखिए। तीज के व्रत में दोस्तों अन्न नहीं खाया जाता है। अगले दिन जब चतुर्थी की तिथि हो जाएगी, ये करीब सुबह 5:30 के आसपास चतुर्थी की तिथि शुरू हो जाएगी 14 अगस्त को, तो 14 अगस्त में सुबह के समय आप स्नान करिए, भगवान का पूजन करिए, और उसके बाद आप अन्न खा कर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए उपवास रख के छोटी तीज का व्रत या फिर हरियाली तीज का व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपके जीवन के कई कठोर कष्ट कट जाते हैं और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज ये हरियाली तीज का व्रत किस तरह से करना है, पूजन आपको कैसे करना है, क्या आपको नहीं करना है, इन सब बातों का आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मेरे सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट देखिए। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।